हेलो फ्रेंड्स, द एप्पल मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज में हम आपके साथ दोबारा से एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे ग्राफ्टिंग का एक और नया तरीका। जिन बागवान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट जो है उसमें लिखिए, एज़ वेल एज़ हमारे वीडियोज़ जो है वह ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम जो नई टेक्निक के बारे में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है बार ग्राफ्टिंग। बार ग्राफ्टिंग जो है वह हमें कहाँ पे करनी चाहिए, किन टैनों में करनी चाहिए, उसके बारे में हम आपको आज पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। सो आगे आप देखेंगे कि जो मोटे टैने होते हैं उसमें हम किस प्रकार ग्राफ्ट करेंगे। ग्राफ्टिंग कर रही जो ये इतना मोटा टैन था या टैन टूट गया था। अच्छा जी। तो इसको हम यहाँ से काटते तो इसमें कैंकर शिका था पीछे टैने में ही। हाँ जी जी। तो इसलिए इसको हम कैंकर से बचाने के लिए इसको हम कर रहे ग्राफ्टिंग कर रहे इसमें ही। हाँ जी। तो पहले चाकू को लेके, सबसे पहले हमने चाकू को लेके इस तरह चाकू को अंदर इसमें इस तरह प्रेस करके फिर दाएं और बाएं को छिलका निकालना है। अच्छा जी। हाँ जी। ये देखिए यहाँ से ये भी निकाला है और ये हमने इसमें 1 2 3 4 5 कलमें लगानी, हमने इसमें 5 कलमें लगानी इस तरह। ये देखिए आप, ये दाएं और बाएं करना इसको छिलके को, नहीं इस तरह ही, ताकि कल में लगाने के लिए आसानी हो जाए। हाँ जी। उसके बाद फिर हमने इसको, क्योंकि अभी सेब इतनी जल्दी नहीं चढ़ा, अभी सेब तो सेब चढ़ने पर तो वक्त लगेगा, तो इस तरह हमने इसको सफाई करना पहले ही। अच्छा जी। एक कलम सी बना के इस तरह पहले हम, ताकि गुद्दा साफ हो जाए। हाँ जी। इस तरह हम साफ करेंगे पहले इसको ही। ये देखिए, उसके बाद फिर हम इस कलम को बनाएंगे इस तरह कलम बनाएंगे हम पहले इस तरह कलम बनाएंगे। उसके बाद हम इस कलम को यहाँ से इस तरह देंगे। अच्छा जी। इस तरह कलम डालेंगे हम नीचे। हाँ जी। दूसरी कलम हम इस तरह बनाएंगे। अच्छा जी। और किंग रोड का जो पेड़ हम जो इसको ग्राफ्ट कर रहे हैं जी, लेकिन हम जो ये कलमें लगा रही है हम गाला वॉल की लगा रही है जी। अगर हम किंग रोड की कलम लगाते हैं इसमें तो कवरिंग करना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल। गाला वॉल या गाला जो वरायटी है, खट्टी वरायटी, उसको लगा के उसके बाद फिर इसको जब ये कलमें चढ़ पड़ेगी तो दोबारा से भी इसको ग्राफ्ट कर लेंगे। जब ये जख्म पूरा हो जाएगा। हाँ जी जी। उसके बाद फिर हम ग्राफ्ट कर लेंगे इसको ही। अच्छा जी। हाँ जी। ये देखिए इस तरह कल में लगाना है। हाँ जी। इस तरह ही। हाँ जी। और ये तीन दो कल में हमने और लगानी इसमें। हाँ जी। से लगाएंगे हम इस तरह से लगाएंगे अब इस कलम को ऐसे बनाएंगे। हल्का सा यहाँ से टक मार सकते हैं इसको, ताकि छिलका ऊपर ना उतरे। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी। तो इस तरह इसको इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए आप, कलम लग चुकी है। अभी जब ये इसकी जो कवर होगा ये, हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, इसी किंग रोड की कलमें लगा देंगे बाद में, मतलब 2 साल के बाद। हाँ जी। तो इसको हमने कैंकर से बचाने के लिए ये उपाय निकाला है और काफ़ी सारे जख्म भी पूरे हुए हैं इसके। हमने वैसे अदरवाइज इतने मोटे टैन पे ग्राफ्ट तो नहीं करना चाहिए, फिर भी हमने जब यहाँ से आज से इसको काट के फेंका था तो यहाँ कैंकर शिकायत रहनी थी, इसलिए जब हमने ये कलमें यहाँ लगा दिए और कैंकर इसका ख़त्म हो जाएगा और ये कवरिंग 2 साल के अंदर इसी कवरिंग सारी हो जाएगी। हाँ जी। तो मतलब ये टूटा टैन था। हाँ जी, टूटा टैन था, कुछ आया नहीं था यहाँ पे। अगर हम इस टूटे टैन को रखते तो आगे से हमें बड़ा कट मारना पड़ता, उससे कैंकर शिकायत आनी थी। हाँ जी। और इसमें हमने बांधने की विधि ये है कि आप इतना सा एक
ऊपर से कागज चौड़ा लगभग 6-7 इंच का, 8-9 इंच का कागज। हाँ जी। उसके बाद आपने यहाँ ऊपर से जो ये कलम है, कलम के ऊपर से आपने इस तरह नीचे को प्रेस करना है इसको जी। हाँ जी। इस तरह प्रेस करते जाएंगे आप। हाँ जी। इस तरह प्रेस करते जाएंगे टर्न वाइज। ये देखिए इस तरह जी, इस तरह, और यहाँ से इस तरह ही। अच्छा जी। इस कागज़ को आराम से हाथ से नीचे को धकेलेंगे। अच्छा जी। जी इस तरह धकेलेंगे नीचे, यहाँ नीचे धकेलेंगे इस तरह धकेल के अंत में ले जाएंगे, जहाँ पे इसका, जहाँ से हमने ग्राफ्ट किया है, ये कलम लगाई है, वहाँ तक इस कागज़ को ले जाएंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो आपका कागज़ है इसको नीचे ले आएंगे, कागज़ को नीचे लेने के बाद हम फिर इसको कागज़ को नीचे की ओर प्रेस करेंगे। अच्छा जी। इस तरह प्रेस करेंगे कागज़ को ताकि हवा ना जाए। हाँ जी, ताकि ये मतलब। हाँ जी। और साथ में ये बताओ आप, जो ये सुराख है इसमें क्या डालोगे आप? ये इसमें जी हम इसकी पैकिंग देंगे हम जी। अच्छा जी। हम या तो मिट्टी भी लगा सकते हैं आप। क्या मतलब इसका? इसलिए ये जैसे आपकी कहीं ऐसी जगह होती है, ये जगह होती है जहाँ से अगर हम यहाँ पर मिट्टी नहीं लगाएं या कुछ नहीं लगाएं तो यहाँ से हवा जाएगी अंदर और ये कलम सारी फेल हो जाएगी। हाँ जी। जी इसलिए मिट्टी लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ऐसी मिट्टी लेंगे। हाँ जी। ऐसी मिट्टी लाल मिट्टी लेंगे या फिर कोई या गोबर हो। हाँ जी। वो यहाँ पर लगा देना हमें इस तरह, इस जो ये दरार जैसी दरार। हाँ जी। इसमें हमने इस तरह भर देना है बाहर तक भरने के बाद इस तरह भरना है पूरा भरने के बाद इस कागज़ को फिर दोबारा से फोल्ड कर देंगे, फिर दोबारा से इस तरह इसको करेंगे, उस पर फिर कागज़ इस तरह बांध लेंगे नीचे से, इस तरह नीचे से बांध लेंगे इस तरह बांध लेंगे इसको। काफ़ी सारे बहुत बड़े बड़े टहनों पे लगभग जैसे 40-45 साल के पेड़ को नीचे से काट के भी किया हमने ग्राफ्टिंग, उसमें लगभग 25-30 कलमें लगी है। अच्छा जी। गेल गाले की जी। हाँ जी। जी तो वो भी कवरिंग आई है, उससे भी काफ़ी बड़ा पेड़ बन गया। अब लगभग वो इस वक्त एक पेटी से ऊपर माल उतारता उसने। अच्छा जी। तो इसलिए हमारा ये एक्सपीरियंस है कि जहाँ टेन यहाँ आपके कोई चारा नहीं, जहाँ पे कि आप चाहते कि यहाँ से अब कैंकर फैलने की शिकायत है, तो आप वहाँ पर इस तरह की ग्राफ्टिंग करके कुछ साल के लिए मतलब कैंकर को रोक सकते हैं आप। रोक सकते हैं जी। तो उस तरह अब इस तरह इस कागज़ को ऊपर लपेट के अब यहाँ आएंगे आप। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको इस तरह इस कलम से और फिर यहाँ से क्रॉस देना है पार दूसरी कलम के लिए। अच्छा जी। इस तरह है जी, इस तरह ही। अच्छा अच्छा। बस एक इस लपेटा मार के फिर उसके बाद आपने इसको यहाँ देना है। अच्छा जी। तीसरी कलम में जी देखिए आप, तीसरी कलम में देखिए, फिर आपने चौथी कलम के लिए आना है। देखिए आप चौथी कलम के लिए ले गए हम इस कागज़ को, उसके बाद अब आपकी एक कलम बच गई है। हाँ जी। इस कलम को कवर करने के लिए हम यहाँ से कागज़ को दोबारा वापस लाएंगे दूसरी कलम के लिए, यहाँ से फिर से इसको यहाँ ले जाएंगे इस कलम के पास। हाँ जी। और उसके बाद इस तरह इसको कागज़ को बांधेंगे, बांधने के बाद फिर हम इस कागज़ को नीचे की ओर फोल्ड करेंगे। हाँ जी। नीचे इस तरह आप हमेशा बांधते हैं, इस तरह इस कागज़ को नीचे की ओर लेते जाएंगे, हमारे आखिरी पॉइंट पे इसको यहाँ पे एक गांठ दे देंगे। तो इस तरह ये जो हमने ग्राफ्ट किया है, कई टहनों में हमें जब 5-6 इंच के 7 इंच के टहने ग्राफ्ट किए उसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिला है, और साथ में ये तो लगभग मात्र 4 इंच का जो ये आपका टहना है इसको हमने ग्राफ्ट किया है। तो आपको हम जूम करके दिखा सकते हैं आपको। हम यहाँ पे देखिए इस तरह जो ग्राफ्ट किया है ये देखिए आप, और ये किंग रोड का जो पेड़ बनाया है ये देखिए आप, ये लगभग 25-30 साल का पेड़ है जो इसमें हम ग्राफ्ट कर रही है। हाँ जी। ओके जी, धन्यवाद जी।